अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। धामपुर नगर पालिका द्वारा 25 इकाइयों पर लाइसेंस शुल्क लगाने के विरोध में डॉक्टर्स और पैथोलॉजी लैब के संचालकों ने चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन। धामपुर के लव जिहाद के मामले में कोर्ट में दर्ज की गई आरोपी के खिलाफ दूसरी चार्जशीट, बेरखेड़ा चौहान के रहने वाले साकिब उर्फ सोनू के ऊपर था मुकदमा दर्ज। नजीबाबाद में युवा भारत सेवा समिति के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया जर्सी वितरण कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। चांदपुर में नगर पालिका प्रशासन के कार्यों की खुली पोल, बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। If freedom is what you want, unzip, unlock, and open up the all-new Thar. Feel the wind in your hair. नगरपालिका अध्यक्ष हाजी अख्तर जलील ने किया शहर में हो रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण। सुहारा में आधार कार्ड बनवाने के लिए सुबह से ही लाइनों में खड़े लोग हुए परेशान, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। शेरकोट के तैयब सराय में कब्रिस्तान की जमीन पर कचरा घर बनाने का मामला गरमाया, कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य धरने पर बैठे। किरतपुर के धुतली इलाके में मगरमच्छ को ग्रामीणों ने पकड़कर रस्सी से बांधा और वन विभाग की टीम को सौंप दिया। जिला मुख्यालय मोहम्मदपुर देवमल पर किया गया किसान मेले का आयोजन, जिलाधिकारी रमाकांत पांडे और विधायिका सुजीत चौधरी ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 के अंतर्गत मंडप, बारात घर, 3 सितारा होटल, पैथोलॉजी सेंटर, प्राइवेट अस्पताल, डेंटल क्लिनिक, ऑटो रिक्शा आदि 25 काम करने वाली इकाइयों पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क लगाया गया था, जिसके अंतर्गत धामपुर नगर पालिका ने भी ये नियम लागू किया। नियम लागू करने पर डॉक्टर्स और पैथोलॉजी लैब के संचालक इकट्ठे होकर नगरपालिका चेयरमैन के पास पहुंचे और इस लाइसेंस शुल्क को हटाने के लिए ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि अगर लाइसेंस शुल्क हट नहीं सकता तो इसको स्वतः निर्धारण करने का अधिकार दिया जाए। ये जो आप लोग आज नगरपालिका आए थे, क्या कारण है? आज यहाँ हम लोग होम्योपैथिक एसोसिएशन और धामपुर डायग्नोस्टिक एसोसिएशन के सब सदस्य जो है नगरपालिका चेयरमैन पैसे मिलेंगे। एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक टैक्स लगाया गया है, तो डॉक्टर्स पे भी टैक्स लगाया गया है, अगर रेस्टोरेंट और मंडप इन पे सब पे लगाया गया है, लेकिन जो डॉक्टर्स पे टैक्स लगाया वो न्याय संगत नहीं। डॉक्टर्स तो ऑलरेडी वो लगातार, चाहे कोरोना काल में देखिएगा कि डॉक्टर्स ने कितनी मेहनत और अपनी समर्पण भाव से सेवा की है। दूसरा, उसके साथ जो छोटे क्लिनिक वाले पे वो एप्लीकेबल नहीं होता, वो उसमें एक तो शुद्धि के लिए कहा है, दूसरा अभी चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है कि उसका निस्तारण कराएंगे।
हमारा कहना या तो निश्चयकरण हो जाए या सेल्फ असेसमेंट हो गया, स्वयं निर्धारण वाला हो जाए। स्वयं निर्धारण वाला हो जाए तो डॉक्टर अपने हिसाब से अपना निर्धारण कर ले, जैसे हाउस टैक्स में किया गया था उसी के साथ वो स्वयं निर्धारण करके टैक्स पे करने के लिए भी तैयार है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन निश्चयकरण हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी यहाँ का टैक्स भी पे कर रहा है, मकान का टैक्स पे कर रहा है, और सिनर्जी बेस्ट जो यहाँ की पोल्यूशन वाली कंपनी है उनको ही पे कर रहा है, हर महीने के हिसाब से कर रहा है और ईयरली पे करता है। तो ऑलरेडी डॉक्टर्स पर इतने सारे टैक्स हैं, इसलिए जो है ये टैक्स डॉक्टर्स पर नहीं लगना चाहिए। ये सिफारिश, धन्यवाद। जिस पर चेयरमैन राजू गुप्ता और अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने उनकी बात गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र निस्तारण की बात कही। ये चेयरमैन साहब, आज जो डॉक्टर्स इकट्ठा होकर आए थे, क्या कारण था और इसमें क्या निर्णय आपने लिया इनके समाधान के लिए? सरकार के आदेश आए थे कि कुछ चीजों पर इन पर टैक्स लगना है, तो उसको जो है पीछे बोर्ड ने पास करा था। लेकिन यह है कि सर डॉक्टर्स कह रहे हैं तो उसमें अब इसमें जो है कि बोर्ड ने जो पास करा था उसमें दोबारा से उसका शुद्धिकरण करा जाएगा, किस चीज की जरूरत है किस चीज की नहीं है। अब बोर्ड में दोबारा बैठक में आपके जो बैठक होगी उसको जो आप दला दे उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। धामपुर थाना क्षेत्र में लव जिहाद के दूसरे मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। दरअसल बेरखेड़ा चौहान के रहने वाले साकिब उर्फ सोनू पर लव जिहाद का मुकदमा चल रहा था। आरोपी के खिलाफ बीती 15 दिसंबर को अपना नाम बदलकर युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जांच कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। एसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट, पोक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। बिजनौर के धामपुर थाने में 15 दिसंबर को एक अनुसूचित जात की लड़की को ये दूसरे संप्रदाय का लड़का बहका करके ले गया था, अपना जात और संप्रदाय छिपा करके। बाद में पता चला कि दूसरे संप्रदाय का है। उसके पिता की तहरीर के आधार पर विध विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ। क्षेत्राधिकारी यानी DPSP द्वारा इसकी विवेचना की गई। संपूर्ण सुसंगत साक्ष्य का संकलन, मेडिकल परीक्षण, मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 CRPC के तहत कलमबंद बयान कराए गए और इसके बाद क्षेत्राधिकारी द्वारा 363, 366, 354 IPC, 325 SC/ST एक्ट, 7/8 पॉक्सो एक्ट, 351 विध विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत चार्जशीट लगा करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। तुषार वर्मा की रिपोर्ट। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हड्डी जोड़ रोग, प्रसूति एवं स्त्री संबंधी समस्त रोगों के इलाज के लिए मिलने वाली विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अब आपके शहर धामपुर में उपलब्ध। आयुष्मान हॉस्पिटल की सुविधाएं 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, जोड़ प्रत्यारोपण, सीआरएम द्वारा फ्रैक्चर सेट करने की सुविधा, दूरबीन द्वारा घुटने संबंधित रोगों की समस्या का इलाज, गठिया एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, मशीन द्वारा पेट में ही बच्चे की धड़कन की जांच, सिजेरियन एवं नॉर्मल डिलीवरी सहित बच्चेदानी के समस्त रोगों का उपचार और ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपति की संपूर्ण जांच एवं इलाज, MS ऑर्थोपेडिक गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन डॉक्टर राघव प्रताप सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शिल्पि चौहान, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर राज प्रताप सिंह हृदय रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर राहुल आहर त्वचा रोग विशेषज्ञ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चयनित अस्पताल है जहां लाभार्थियों का योजना के नियमानुसार इलाज किया जाता है। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू धामपुर सिटी निकट RSM तिराहा सुहारा रोड धामपुर। फोन नंबर 01344222003। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। सुहारा में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग सुबह सवेरे से ही लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन आधार कार्ड संचालक की तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही है। लोगों का आरोप है कि सुबह से अपना काम छोड़कर आधार कार्ड बनवाने के लिए लाइनों में खड़े हैं, लेकिन
उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। वहीं रोटरी और आधार कार्ड संचालक का कहना है कि आधार कार्ड बनवाने का समय 3:30 बजे दिया गया था, लेकिन लोग फिर भी सुबह सवेरे ही आकर लाइनों में लग जाते हैं। शेर सिंह जी, आप आधार कार्ड जो बना रहे हैं, जो बाहर लाइन लगी खड़ी हुई है केसों की तादाद में, इन लोगों को आपने किस टाइम बुलाया था? 3:30 बजे। अच्छा, 3:30 बजे, तो ये सुबह ही कैसे आ गए फिर 11 बजे? अब ये तो इनकी छाया में मना थोड़ी ना, भगा थोड़ी ना। अच्छा, 3:30 बजे बुलाया था आपने, अभी 4:15। मेरी बात सुनो, पहले बढ़ते थे 4 बजे, अब ठंड की वजह से हमने 3:30 बजे कर दिया, क्योंकि जल्दी काम खत्म हो जाएगा। नहीं, आपका टोकन रेशियो तो होगा कि एक दिन में आपको इतने टोकन देने हैं, इतने कार्ड तो जो भी 150-200 बटेंगे वो सब बढ़ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आधार कार्ड कहाँ बनेंगे? उसके बाद डेट मिलेगी टोकन में, यही मिलेंगे। सिहारा से नरन सिद्दीकी की रिपोर्ट। चांदपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने नगरपालिका के विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी। क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण नगर के मुख्य मार्गों पर पानी भर गया, सड़कों पर नालों की तरह पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।